हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक कमाल की ऐप के अपडेट के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार ऐप है और कस्टमाइजेशन के लाभ से या बहुत ही शानदार फीचर्स हैं ये जो ऐप मिलती है इसके अंदर। तो ये इसमें एक अपडेट भी आया है और साथ में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप उसको फुल डिटेल यूज कर पाएंगे। तो क्या ये अपडेट है, कौन सी ऐप में आई, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक ऐप की अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद अपडेट्स वाले सेक्शन में, देन अपडेट्स वाले सेक्शन में यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख नहीं रहा होगा, ये अपडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की क्विक गुड लक वाली ऐप में। गुड लक वाली ऐप में जाने के बाद आपको करना क्या है, गुड लक वाली ऐप में चले जाना है। यहाँ पर जाएंगे मेकअप में, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्विक स्टार ऐप के अंदर आपको एक नया अपडेट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल रहा है, जिसको मैं गो टू स्टार करके डायरेक्ट यहाँ पर लेके आ गया हूँ आपको आपके गैलेक्सी स्टोर पे। अब बात करें इस अपडेट की, तो इस अपडेट में क्या लिखा है, इम्प्रूव ऐप स्टेबिलिटी इम्प्रूव की गई है। ऐप की स्टेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है और साथ में कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किए जाते हैं, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। अब ये ऐप क्या काम करती है और इस अपडेट कुछ कब रोल आउट किया गया, 26 सितंबर को, 7.4.06 इसका वर्जन है। तो यूज करके बताने वाला हूँ, पहले तो कर लेता हूँ अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अब अपडेट करने के बाद ये यहाँ से यूज नहीं होगा, इसके लिए आपको जाना है वापस गुड लक वाली ऐप में चले जाना है। गुड लक वाली ऐप में जाने के बाद आपको मिलेगा क्यूक स्टार। क्यूक स्टार क्या करता है, जो आपके मोबाइल का जो ये क्यूक पैनल है ना, दैट इज क्यूक पैनल, इसको कस्टमाइज करने के लिए काम करता है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है स्टाइल योर क्यूक पैनल, तो आपको यहाँ पर जाएंगे, ऑन करेंगे तो आप अपने लेवल से, अपने हिसाब से अपने क्यूक पैनल को डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने ये वाला यूज कर लिया, मैंने इस पर क्लिक करा और ये इनेबल हो गया है। तो आप देखेंगे आपको दिख जाएगा पूरी तरीके से ये क्यूक पैनल आपका अरेंज हो गया, पहले कैसा था अब ये हो गया है। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको मिलेगा विजिबिलिटी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स मिलते हैं ना जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे ना, आप इसको यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। लाइक मोबाइल डेटा सिग्नल आपको दिख रहा है ऊपर, अब मैं यहाँ से हटा दूंगा तो वो हट जाएगा। आप देख रहे हैं मोबाइल की रेंज हट रही है, आपको दिख रही होगी। तो ऐसे ही IMPS नेटवर्क आइकन हटाना है, जैसे कि VoLTE दिखाता है ना, अगर आपको वो हटाना है तो वो हटा सकते हैं। अलार्म का आइकन हटाना है तो वो हटा सकते हैं। वॉल्यूम का पैनल जो मैंने लगा के रखा है वो हटाना हटा सकते हैं। एरोप्लेन का साइन अगर आप फ्लाइट मोड ऑन लगाएंगे, वाईफाई कनेक्टेड है वाईफाई का साइन, बैटरी आइकन्स, NFC, ब्लूटूथ, डेटा सेवर, मतलब जो भी आपने लगा रखा ना, आप पूरी तरीके से उसको डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपको दिखे कौन सी ना दिखे, आप पूरी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होम स्क्रीन पे उसका नाम दिखे नहीं दिखे, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एक्सपेंड पैनल पे दिखे, लॉक स्क्रीन पे ना दिखे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बैक आएंगे, इसी के नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन क्लॉक सेटिंग का। तो यहाँ पर आप क्लॉक सेटिंग भी कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग कैसे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा डेट, मतलब मेरा टाइम दिख रहा है। अब टाइम के बाद मैंने यहाँ शो डेट पे क्लिक करा तो आप देखेंगे ऊपर डेट भी दिखने लग गई है। अगर आपको डेट भी चाहिए तो आप यू कर सकते हैं। AM/PM चाहिए तो AM/PM एड ऑन कर सकते हैं। सेकंड वाला चाहिए तो सेकंड वाला आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला भी यहाँ पर दिख जाएगा, सेकंड वाला भी आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्लॉक कहाँ चाहिए, राइट साइड चाहिए तो क्लॉक राइट साइड भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, हाइट, क्लॉक हटाना भी हो तो सारी डिजाइन आप क्लॉक की यहाँ पर आप कर पाएंगे। ऐसे ही बैक आएंगे, अप्लाई कलर पैलेट टू मोर नोटिफिकेशन आइकन, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी मेरे पास जो नोटिफिकेशन आ रही है, किसी किसी ऐप में ये वर्क नहीं कर रही, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो वो मैक्सिमम सारी एप्स में वो काम करने लग जाएगी जिसपे वो सपोर्ट भी नहीं करती, वो हो जाएगा। साथ में आपको मिल रहा है चेंज क्यूक सेटिंग बटन, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज क्यूक सेटिंग बटन, जो चेंज क्यूक सेटिंग बटन है वो ये होते हैं, ये जो आपके ये दिख रहे हैं ना, साथ साथ में मैंने बहुत ज्यादा इसको वो कर रखा है। साथ में अगर आप इसको यहाँ से यू कर देंगे वाइड में, तो ये सब आपको यहाँ पर बड़े बड़े दिखने लग जाएंगे। जैसे एक रो में दो आ गए, मैंने मैक्सिमम में कर रखा है, तो मैक्सिमम में जितने ज्यादा आ सकते हैं वो सब एक रो में वहां पर सेट आउट हो गए। तो ये काम करता है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको क्यूब सेटिंग इंसर्ट एक्सेस, ये भी बहुत शानदार है। अब ये क्या कर रखा है आप देखेंगे, मैंने ये जो एरो का बटन दिख रहा है ना, कि मैंने 78-74% में ये कर रखा है कि जब भी मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पूरी ओपन हो जाए, और क्यूक सेटिंग मुझे खोलना हो तो ये मैं इस तरफ से करूंगा 26% पे, तो ये क्यूक सेटिंग खुल जाए। तो आप यहाँ पर रेशो सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट पे अगर आप करें, जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये रेशो सेट कर दिया, मैं इस तरफ से करूंगा तो ये आ जाएगा, इस तरफ से करूंगा तो क्यूक सेटिंग आ जाएगी। तो आप अपने हिसाब से उसको रेशो को मेंटेन कर सकते हैं कि कैसा आपको ओपन करना।
तो भाई साहब यही है क्योंक स्टार, और क्योंक स्टार में अपडेट आया तो मतलब कुछ जो भी कुछ में छोटे मोटे बक्सेस से उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया होगा, और कुछ छोटी सी प्रॉब्लम जो होंगी सबको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया है, साथ में इम्प्रूव की गई है एक्यूरेसी की, और चलने को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो ऐसे आप अपने मोबाइल में क्योंक स्टार को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक हो सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।